नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आप देख रहे हैं फैमिली गुरु अमायरा के साथ। हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। जी हाँ, एरीज से लेकर के पाइसेस तक जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एरीज से। मेष राशि, मेष राशि आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो है एट ऑफ पेंटिकल और लवर्स का, जो मुझे ये बताता है कि आपका जो आज का दिन है वो काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता को दिखा रहा है, यानी कि काम के में जो है आपका दिन ज़्यादा जाने वाला है। कोई नई चीज़ बिल्ड करने में आप टाइम लगाएंगे। स्टूडेंट्स अगर कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो भी अपने पार्टनर के साथ आज का दिन जो है बहुत ही अच्छे से बिताएंगे। मुझे लगता है कि इवनिंग में अगर आपका बाहर कहीं जाने का प्लान है तो बिल्कुल चले जाइए, दिन उसके लिए बहुत ही अमेजिंग है। लकी कलर की हम आपके लिए बात करें, लकी कलर है आज आपके लिए पर्पल। लकी नंबर की बात करें, लकी नंबर आपके रहेगा नंबर 6। आइए अब बात करते हैं टॉरस की। तो टॉरस, आज का आपका दिन कैसा रहेगा? आपके लिए कार्ड्स आए हैं 10 of Cups and 6 of Swords, यानी कि फुल ऑन फैमिली टाइम। आज का आपका दिन जो है ज़्यादातर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, बच्चों के साथ बिताने में जाएगा। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी बहुत ही अच्छी है। अगर आप, हो सकता है कि आपकी कोई ट्रिप यहाँ पे पेंडिंग थी, आप चाहते थे कि हो सकता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने का आप सोच रहे हो बहुत दिनों से, तो आज का दिन यानी कि थर्सडे आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप बिल्कुल जो है ये ट्रिप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई चिंता थी जो बहुत दिनों से आपको खाई जा रही थी, आज का दिन उस चीज़ के लिए भी पॉजिटिव है। आज आपकी वो प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। किसी से बात अगर नहीं हो रही थी तो वो कम्युनिकेशन आज दोबारा से शुरू हो जाएगा। लकी कलर के लिए हम आपके लिए बात करें, लकी कलर रहेगा ब्लू और लकी नंबर की मैं बात करूँ नंबर 6। आइए हम बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन, आज का आपका दिन कैसा रहेगा? आपके लिए कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन एंड 5 of Pentacles, बहुत ही कंट्रास्ट किस्म के कार्ड है। आज का दिन इतना लकी है कि जो चाहते हो वैसा हो जाए, वैसे एनर्जीज आपके लिए चाह रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आज अपना दिन आप कैसे व्यतीत करना चाहते हो। काम करना चाहोगे तो काम हो जाएंगे, और पर्सनली अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। हेल्थ के मामले में मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा सा ओल्ड एज हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आज हो सकती है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान दें। और काफ़ी केसेस में मुझे भी है, सर्दी काफ़ी यहाँ पर हो रही है नॉर्थ दिल्ली में, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए क्योंकि तबीयत जो है ख़राब आज आपकी हो सकती है। शाम तक आपको थोड़ा सा कोल्ड वगैरह फील कर सकते हैं। लकी नंबर आपके लिए है नंबर 1 और लकी कलर की अगर मैं बात करूँ तो लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी चौथी राशि जो है कैंसर। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि, आपका आज का दिन कैसा रहेगा? कार्ड्स आपके लिए आए हैं 9 of Swords and Queen of Swords। तो ओ माय गॉड, इतनी चिंता किस बात की है कैंसर आपको? आज का दिन आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एंग्शियस दिखाई दे रहे हैं, एंग्जाइटी भरा दिन जाने वाला है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के परेशान है। बार बार एक ही बात को आप यहाँ पर सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये बोलना नहीं चाहिए कि यू आर ए क्वीन ऑफ सोर्स, यानी कि यू आर ए सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। आपका दिमाग बहुत तेज है कैंसर, खाली EQ नहीं, आपका IQ भी बहुत शार्प है। तो थोड़ा सा पॉज लेकर के, अपने आप को थोड़ा सा समय देकर के एक राइट डिसीजन पे आपको पहुंचना है। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आप जो डिसीजन आज लेंगे वो बिल्कुल सही होगा और आपके फेवर में ही जाएगा। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो कुछ खास समय मुझे नहीं लगता कि आज अपनी फैमिली के साथ बिता पाएंगे। ज़्यादातर समय कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन करने में, कोई एग्रीमेंट साइन करने में जाने वाला है। हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिए, लोगों को यहाँ पे हेडेक हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 9 और लकी कलर की मैं बात करूं तो इट्स डार्क ब्राउन। मूविंग फॉरवर्ड हम अब बात करते हैं हमारी पांचवी राशि जो है लियो यानी कि सिंह राशि। आपका आज का दिन कैसा रहेगा? आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, 2 of Wands and 4 of Wands, यानी कि लियो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। अगर कोई ग्रह प्रवेश के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहा था तो आज का दिन बहुत ही शुभ है आपके लिए कि आप ग्रह प्रवेश बिल्कुल कर सकते हैं। दिन गुरुवार, वैसे भी गुरु का दिन होता है, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा समय है नए घर में प्रवेश करने के लिए। कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो आज आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं लेकिन घर के पर्पज से नहीं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हैं, तो भी आपका जो है आज का दिन बहुत ही अच्छा है। अपने फ्यूचर को लेकर के कोई प्लानिंग करना, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई डिसीजंस लेना, उसके लिए भी आज आपका दिन बहुत ही अच्छा है। लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 2 और लकी कलर की मैं बात करूँ तो येलो इज़ लकी फॉर यू।
थर्सडे दिन गुरुवार, वैसे भी पीला रंग जो है गुरुवार को ही रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी छठी राशि जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। आपके लिए कार्ड्स आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो आज का जो आपका दिन है वो मुझे काफी हद तक पैसों की होता ना कि अनबन थोड़ा सा बुनबुन में लगे हुए हैं कि कैसे पैसा कमाना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ इन्वेस्ट कर दें। काफ़ी सारी बिजनेस मीटिंग्स में जो है आज आपका दिन जाएगा। यहाँ पर रात के टाइमिंग पे आप प्लान कर सकते हैं। ऑफकोर्स मुझे लगता है कोई गेट टुगेदर है जो आपको अटेंड करना है अपनी फैमिली के साथ में, आपकी इमीडिएट फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है। तो आज का जो दिन है वो ज़्यादातर आपके काम में ही बीतने वाला है। यहाँ पर आप इसी जदोजहद में पूरा दिन निकाल देंगे कि ज़्यादा पैसा जो है कैसे कमाया जाए। हेल्थ वाइज दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई नहीं देती। लकी कलर की मैं बात करूँ तो येलो जो है आपका लकी कलर रहेगा और लकी नंबर आपके लिए है नंबर 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी छठी राशि जो है लीब्रा। तो लीब्रा आपके लिए कार्ड्स आया है 8 of Cups एंड सन। तो आज आप कुछ तो अलग यहाँ पे करेंगे। मुझे लगता है कि जहाँ पर आपके रिश्तों में आपको थोड़ी सी अनबन लग रही थी तो आज आप वहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। रिश्तों में आप कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ करके आज आप आगे बढ़ जाएंगे। साथ में सन की एनर्जी है तो जो ये डिसीजन आप आज लेने वाले हैं ये आपके फेवर में ही जाने वाला है। इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, तो आपको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। थोड़ा सा इमोशनली सैड और लो फील कर सकते हैं। काम के मामले में दिन बहुत ही अमेजिंग है, लोग आज आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं क्योंकि आज आप बहुत ही खूबसूरत भी लग रहे हैं। लकी नंबर की मैं आपके लिए बात करूँ, लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 8। और लकी कलर की हम बात करें तो दो कलर्स बहुत ही लकी रहने वाले हैं आज आपके लिए, वो है येलो एंड ब्लू, 2 combinations लिब्रा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो आज का आपका दिन कैसा रहेगा। कार्ड्स आपके लिए आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पैलेस ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि दिस इज द सुपर एनर्जी। काम और पर्सनल लाइफ दोनों का जहां बैलेंस आ जाए तो समझ लीजिए जीवन में सुख आ गया है। क्योंकि कई बार हम काम में इतना व्यस्त रहते हैं तो घर वाले शिकायत करते हैं कि सारा दिन तो आप ऑफिस में निकाल देते हैं, हमें समय ही नहीं देते। बट मुझे लगता है आज आप इस चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे और घर वाले भी आपके बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि आप काम के समय पे काम और बिल्कुल समय से जो है आज अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा समय आप व्यतीत कर रहे हैं, फैमिली में सब लोग बहुत खुश भी हैं और ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। जिन लोगों के अब बीपी प्रॉब्लम है उनका बीपी हाई जा सकता है तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। एंगर इश्यूज भी थोड़े से आज बढ़ सकते हैं तो प्लीज़ आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अदरवाइज एनर्जी बहुत ही बैलेंस है, अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम बनेंगे। कोई कम्युनिकेशन का अगर वेट था काम से रिलेटेड तो वो भी आज जो है आ जाएगी आपके पास में, वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। लकी कलर आपके लिए रहेगा रेड और लकी नंबर जो है वो आपके लिए है नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि जो है सेजिटेरियस फायर साइन। कार्ड्स भी आपके लिए फायर का ही आ रखा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 of Coins। तो आज का आपका जो दिन है वो आज कैसे जा रहा है, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा दिन होता है ना कि आपका मन करता है कि थोड़ी सी हुक्मबाजी चलाई जाए। तो आज का जो दिन है वो बिल्कुल 100% समझ लीजिए आपके कदमों में है। तो जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा ही लोग जो है करेंगे, यहाँ पे आपकी 100% बातें मानेंगे। फैमिली में भी आप अपनी बात मनवा सकते हो, काम में भी लोग आपको एज अ इंस्पिरेशन देखते हैं, आपको देख करके लोग सीखते हैं कि लाइफ में वो क्या अचीव करें, कैसे करें, यू नो एक लेवल पे आओ आपको देखते हैं। यहाँ पे वो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आज आपको मिलेगी। कोई यहाँ पे हो सकता है कोई अवार्ड वगैरह भी जो है आज आपको यहाँ पे मिल सकता है। काम के मामले में भी आप दो जगहों पे यहाँ पे मुझे लगता है जूझते हुए से नजर आ रहे हैं कि हो सकता है किसी के दो बिजनेस है तो एक जगह से दूसरी जगह पे मैनेज यहाँ पे आप चीज़ों को कर रहे हैं। तो बहुत ही बिजी आज जो है आपका दिन आज रहने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रोमांस की तो आज के दिन में मुझे रोमांस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा आपके लिए। मुझे नहीं लगता कि आप उसके लिए आज समय निकाल पाएंगे। दिन ज़्यादातर आपका काम में ही बीतेगा, शाम को थक हार करके घर पर आकर के आज आप सो जाएंगे, यानी कि फैमिली को भी टाइम नहीं देने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, दिन की एनर्जीज ऐसी होती हैं, कई कई दिन बहुत बिजी होते हैं हमारी लाइफ में। लकी जो नंबर है आपके लिए वो रहेगा नंबर 2 और लकी कलर की मैं आपके लिए बात करूं इट इज डार्क ब्राउन। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं अगले साइन की जो है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न बड़ी ही अच्छी एनर्जीज के साथ आपका ये दिन शुरू हो रहा है। लवर्स और 4 of Cups का कार्ड आपके लिए आया है। कुछ चीज़ें प्यार के मामले में मुझे काफ़ी असंतुष्ट आप यहाँ पे दिखाई देते हैं, है ना। मुझे लगता है कि किसी रिलेशनशिप में आपको बहुत उम्मीदें हैं जिस पे आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं।
ठीक है, या तो कमी आपकी तरफ से है या पार्टनर की तरफ से है, बट somehow यू आर dissatisfied, तो थोड़ा सा सैड जरूर फील कर सकते हैं, बट शाम होते होते आपकी एनर्जी वापस से अपलिफ्ट हो जाएगी, यू आर अगेन हैप्पी, यू आर अगेन रेडी टू मीट न्यू पीपल इन योर लाइफ, एंड दैट शुड बी यू. कैप्रिकॉर्न वैसे भी कभी एक जगह पे रुकना इतना प्रेफर नहीं करते अंटिल अनलेस दे आर वेरी सीरियस इन देयर रिलेशनशिप, राइट. तो ओवरऑल दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. दिन की शुरुआत जरूर थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन दिन खत्म होते होते आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाई होंगी और आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं. लकी कलर के लिए हम आपके लिए यहाँ पे बात करें तो लकी कलर आपके लिए रहेगा पिंक, वेरी डिफरेंट कलर फॉर यू, एंड लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 4. चलिए हम बात करते हैं एक्वेरियस की कि कुंभ राशि वालों का जो दिन है वो आज कैसा जाएगा. दिन गुरुवार कुंभ के लिए कैसा है आइए बात करते हैं. तो कुंभ राशि वाले जो हैं एक्वेरियस ये जो होते हैं ये एयर एलिमेंट है, मतलब मैंने हमेशा ही बोला कि बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं तो सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं. आपके लिए कार्ड्स आए हैं 8 of Swords and 2 of Swords. कोई तो डिसीजन लेना है आज आपको जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है लेना. आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए या क्या डिसीजन लेना मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगा. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे आप फंसे हुए दिखाई देते हैं. आज आपका जो पूरा दिन है वो डॉक्यूमेंट साइन करने में, कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन करने में, डिसीजंस लेने में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान भी आप दिख रहे हैं. आपकी जो एनर्जी आज आपकी वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. अगर हम बात करें हेल्थ की तो थोड़ा सा मुझे लगता है आज आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. आपको थोड़ा सा मेंटल इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं. कुछ लोगों को ऑलरेडी अगर कोई प्रॉब्लम है माइग्रेन वगैरह की तो वो बढ़ सकती है यहाँ पर, और कुछ एक के केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है. प्लीज़ अपनी आँखों का भी आप ध्यान रखें. आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी आज आपको कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, अपना ध्यान रखिए. लकी नंबर आपके लिए है नंबर 8 और लकी कलर की मैं बात करूँ तो इट्स ब्लू. चलिए हम बात करते हैं हमारी आखिरी राशि जो है पाइसेस यानी कि मीन राशि. आपका आज का दिन कैसा रहेगा. आपके लिए कार्ड्स आए हैं पैलेस ऑफ कॉइन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स. आपने आज ये सोच लिया है कि जो मैं कहूँगा वो सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. आपकी एनर्जी आज बहुत ही बैलेंस है. आप बिल्कुल सबसे बहुत सारी बातें करने के मूड में यहाँ पे नजर आ रहे हैं. काफ़ी खुश भी हैं. बहुत दिनों से मन में दबी हुई जो जितनी भी बातें थी वो आज बाहर निकल जाएंगी और जो आपके फेवर में भी जाएंगी. पैलेस ऑफ कॉइंस का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत ही बैलेंस भी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में. मतलब मुझे लगता है आज आपको काम की कोई चिंता नहीं है. आज का दिन जो है आप बिल्कुल फन जोन में ही व्यतीत करना चाहते हैं, जो आप करेंगे भी होपफुली, यू नो, क्योंकि एनर्जीज आपकी ऐसी हैं. काफ़ी खुश और चहकते हुए नजर आ रहे हैं. लकी कलर आपके लिए है ग्रीन और लकी नंबर रहेगा आपके लिए नंबर 1. तो आई होप आपको आपका आज का जो राशिफल है वो पसंद आया होगा. आप देखते रहें फैमिली गुरु अमायरा के साथ. थैंक यू.